यूपी में कल रात से नाइट कर्फ्यू नाफिज है और आपको बता दें कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू नाफिज किया गया है। कोरोना को देखते हुए यूपी हुकूमत ने ये बड़ा फैसला लिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए ये फैसला लिया यूपी हुकूमत ने, और साथ ही एक और अहम फैसला लिया गया, शादियों में सिर्फ 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई। कोरोना को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया यूपी हुकूमत ने। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए यूपी में कल रात 11 बजे से 5 बजे तक के लिए अब हर रात नाइट कर्फ्यू नाफिज किया गया है। साथ ही एक और फैसला लेते हुए शादियों में अब 200 मेहमानों के शामिल होने की इजाजत। अहमद हुसैन हमारे साथ ही फोन लाइन पर मजीद मालूमात लेकर मौजूद हैं। अहमद, बड़ा फैसला लिया यूपी हुकूमत ने, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए नाइट कर्फ्यू नाफिज किया गया है, शादियों को लेकर भी कुछ गाइडलाइंस नाफिज की गई हैं। जरा तफसील से बताएं अहमद, यूपी के लोगों की जिंदगी में क्या तब्दीली आई है सरकार के इस फैसले से? बिल्कुल, देखिए मुमताज, अब 25 दिसंबर से अब रात के 11 बजे से और सुबह के 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया गया है, और जो शादी ब्याह जो होंगे, जो बारातें होंगी, उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना होगा, और 200 लोगों की जो इजाजत है वो अभी फिलहाल में दी गई है। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से लोगों को बचना होगा, जो भीड़ भाड़ वाले आयोजन है उनसे लोगों को परहेज करना होगा, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि कोरोना का जो खतरा है एक बार फिर से सर पर मंडराने लगा है, और उसमें यूपी भी कहीं से पीछे नहीं है। और जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी देखा था कि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश जो है एक बड़ा राज्य है, और यहाँ पर भी जब कोरोना तेजी से बढ़ा था तो यहाँ पे भी जो हालात थे वो बद से बदतर हो चले थे, तो उसी के मद्देनजर पिछले हालात ना बनने पाए उसको लेकर अब सरकारें पूरी तरीके से संजीदा हैं।